हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेंटलमैन एंड मोटरसाइकिल। सो आप जो लोकेशन देख रहे हो ना, ये मेरे घर के पास एक बहुत बड़ा ऑफ रोडिंग ग्राउंड है, उसके ऊपर एडीवी चलता है। तो मैं अपनी हिमालय को ना, मोस्टली जब मुझे ऑफ रोड एक्सपेरिमेंट करने का मन करता है, मैं यहीं लेके आता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो भी यहीं शूट करता है। बैंगलोर में सनसेट हो रहा है अभी इस समय। तो आज के वीडियो का एजेंडा ये है कि मैं इस बाइक को मोर देन 1 मंथ, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स चला लियो, फर्स्ट सर्विस भी करा चुका हूँ। बहुत जल्दी मैं एक फुल रिव्यू लेके आऊँगा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस हिमालयन 450 के साथ। बट आज मैं आपको टॉप थिंग्स विच आई लव एंड टॉप थिंग्स विच आई एब्सोल्युटली डू नॉट लव एंड नीड्स इम्प्रूवमेंट, उसके बारे में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। महीने ड्राइव करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आई एब्सोल्युटली स्टिल लव द बाइक। देयर आर टू मेनी थिंग्स टू लाइक अबाउट दिस बाइक, द डिजाइन, हाउ इजी इट्स टू राइड। मतलब बीइंग अ 450 cc बाइक, जो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग लोगों की होती है कि 411 के ऊपर एक अपग्रेड भी है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ड्राइव करना, बट ऑनेस्टली व्हेन यू आर ड्राइविंग द बाइक, दिस इज वेरी इजी। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर देयर फॉर देयर टू लव इन दिस बाइक, और आई एब्सोल्युटली एंजॉय एवरी डे आई राइड द बाइक। सो मैंने कॉम्प्रिहेंसिव अपने 2 महीने के एक्सपीरियंस में एक लिस्ट बनाई है, जो चीज़ें मुझे इस बाइक के बारे में पसंद है, काफ़ी पसंद है। कुछ यूनिक बिट्स जो यूनिक है इस बाइक के बारे में, और कुछ चीज़ें जहाँ पे इम्प्रूवमेंट का स्कोप है और जो मुझे पसंद नहीं आई हैं, और कुछ चीज़ें तो काफ़ी अनोइंग है। तो मैंने उन 2 चीज़ों को 2 लिस्ट में डिवाइड किया, थिंग्स आई लव एंड थिंग्स आई डोंट लव। सो पहले शुरू करते हैं थिंग्स आई लव अबाउट दिस बाइक। सो गाइस, फर्स्ट थिंग विच आई लव अबाउट द हिमालयन 450 इज द क्लच, हाउ इजी इट इज एंड हाउ लाइट इट इज। सो हिमालयन ऑफर्स अ मल्टी प्लेट वेट क्लच विथ स्लिप एंड असिस्ट। सो पहले मैं स्लिप और असिस्ट के बारे में थोड़ा बताता हूँ। स्लिप के बारे में अगर मैं बताऊँ तो स्लिपर क्लच आर नॉट डिजाइंड कि आप उसको क्लच लेस ऑपरेट करें, नहीं, दिस आर नॉट डिजाइंड फॉर दैट। ऑल्सो पार्शल क्लचेस में इट वर्क बेसिकली डिजाइंड कि अगर आप हायर RPM पे या फिर मोर ओवरलोडेड इंजन पे अगर आप क्लच अपना गियर चेंज कर रहे हैं तो आपका रियर व्हील लॉक नहीं होना चाहिए, और जिसकी वजह से लॉक होकर आपके आपकी व्हीकल स्किड ना हो। सो दैट इज वेयर द स्लिपर क्लच इज डिजाइंड फॉर। स्लिपर क्लच इज वेरी यूजफुल, वेरी हेल्पफुल व्हेन आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक सिचुएशन में चला रहे हो और वेर यू हैव टू चेंज द ब्रेक्स वेरी फ्रिक्वेंटली, और लेट्स से इन अ हाईवे वेयर यू सडनली वॉन्ट्स टू ओवरटेक और मे बी आप ओवर RPM पे गियर्स को डाउन कर रहे हो, उस केस में स्लिपर क्लच वर्क वेरी वेल। और स्लिपर क्लच का एडवांटेज ये भी होता है कि यू नेवर एंड अप यू नो पार्शली चेंजिंग द गियर, सो गियर फंसते नहीं है कभी भी, सो वो एक बहुत एडवांटेज होता है। असिस्ट क्लच, बेसिकली असिस्ट वर्ड जो है ना उसका मतलब यही होता है, जो मेरी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, असिस्ट मेक्स योर क्लच वेरी ईजी टू यूज, वेरी लाइट। सो कुल मिला के जो कॉम्बिनेशन है दैट मेक्स इट्स ईजी टू यूज, ईजी टू चेंज गियर्स, और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका गियर ओवरलोडेड RPMs पे आपका गियर लॉक होके व्हील स्पिन करा रहा है, व्हील स्किड करा रहा है। सो दैट इज वेयर इट वर्क्स। और मल्टी प्लेट वेट क्लच में क्या होता है कि आपकी जो ट्रांसमिशन में जो गियर्स होते हैं वो उनकी जो प्लेट्स होती है दोज आर इमर्स्ड इन इंजन ऑयल, उससे क्या होता है कि दीज आर मोर कूल। इंजन ऑयल में इमर्स होने से क्या होता है कि आपका जो क्लच होता है वो ज़्यादा ठंडा रहता है, ज़्यादा लुब्रिकेटेड रहता है कंपेयर टू द ड्राई क्लच। सो ये जो टेक्नोलॉजी है स्लिप एंड वेट कंबाइंड विद अ वेट क्लच, ये मोस्टली हायर एंड बाइक्स में यूज़ होती है, और इस तरह का क्लच हिमालय में होने से बहुत बेनिफिट है। लॉन्ग रूट पे आपका ओवर अब्यूज़ नहीं होगा कभी क्लच, कभी ओवर हीट नहीं होगा, और आई थिंक दिस इज वन प्लेस वेयर आई एब्सोल्युटली लव अबाउट दिस बाइक। सो विद दिस 450 cc शेरपा इंजन कपल्ड और मैरिड विद दिस काइंड ऑफ ट्रांसमिशन, इट हैज़ अ 6-speed ट्रांसमिशन बाय द वे, विच इज एब्सोल्युटली एन अपग्रेड ओवर हिमालयन 411। सो गाइस, सेकेंड पॉइंट जो इस बाइक के बारे में मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है इसका सीट हाइट एंड सीट एडजस्टेबिलिटी। सो बाय डिफॉल्ट दिस कम्स विद 825 mm ऑफ सीट हाइट, जो कि आप एडजस्ट करके 845 तक ले जा सकते हो और 825 को डाउनग्रेड कर सकते हो 815 तक। प्लस रॉयल इनफील्ड एक एक्सेसरी एक्स्ट्रा शॉर्टर सीट भी देती है विद 805 mm ऑफ सीट हाइट। एडजस्ट करना बहुत ईजी है, यू हैव टू जस्ट पुट योर कीज इन द होल, पुल इट, रिमूव द रेयर सीट एंड रिमूव द फ्रंट सीट, वेरी इजी।
और देर आर दिस एडजस्टर्स वेयर यू कैन एडजस्ट इट लाइक दिस एंड एडजस्ट इट लाइक दिस. सो इससे आपकी सीट हाइट इंक्रीज हो जाएगी. अभी मैं वापस डिफॉल्ट सेटिंग पे लगा देता हूँ. अरे जो मैकेनिज्म है ये मेरे हिसाब से काफ़ी वेल डिजाइंड और मतलब स्टर्डी है. ऐसा कोई डैमेज या कोई हिलने डुलने की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ओवर द लॉन्ग रन. थर्ड थिंग जो मुझे इस बाइक के बारे में बहुत अच्छी लगी और आई रियली 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 इन्जॉय वो एक पर्सपेक्टिव जो इस बाइक का है वो है सस्पेंशन. सो फ्रंट में 43mm USD फोक्स है और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन है और रियर में यू कैन एडजस्ट द प्री लोड. फ्रंट में देर इज नो एडजस्टेबिलिटी बट एब्सोल्युटली जो स्टॉक सेटिंग्स इन सस्पेंशन की बहुत ही ब्यूटीफुल है. अभी मैंने हाईवे ड्राइव करा है और बहुत सारा ऑफ रोड करा है. सिटी में भी मैंने बैंगलोर में बहुत बाइक चलाई है और मुझे अभी तक इसका सस्पेंशन बहुत ब्यूटीफुल लगा. और ये मेरे साथ रेयरली होता है कि मैं कोई स्टॉक बाइक खरीदूँ और मुझे स्टॉक सस्पेंशन सेटअप बहुत अच्छा लगे. सो अभी तक के मेरे एक्सपीरियंस में ये जितनी भी बाइकें मैंने ड्राइव करी और ओन करी है ना ये थर्ड बाइक है. R15 और RR310 का स्टॉक सस्पेंशन मुझे बहुत अच्छा लगा था. दिस इज द थर्ड बाइक एंड आई एम एब्सोल्युटली लव. रॉयल एनफील्ड ने इतना ब्यूटीफुल सस्पेंशन सेटअप करके दिया, आई एम रियली इंप्रेस्ड. फ्रंट में 200mm का ट्रैवल है और रेयर में भी 200mm का ट्रैवल है बट रेयर सस्पेंशन को आप जब एडजस्ट करते हो तो 25-45mm का आप एडजस्ट कर सकते हो प्री लोड. सो दीज आर द ब्यूटीफुल रेयर सस्पेंशन और ये इनमें एडजस्टेबिलिटी है. जो एडजस्ट करने का स्पैनर है वो टूल किट में दिया हुआ है विच इज़ अ गुड थिंग. आई शो यू दैट इन अ बिट. एंड दीज आर द एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल शोवा सस्पेंशन और जो इनका फिनिश है ना दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड एंड आई रियली लाइक दैट. और दे हैव प्रोवाइडेड दिस सस्पेंशन कवर विच फॉर टिल सम एक्सटेंट हेल्प कि आपका ये एरिया डर्टी ना हो और आपको प्रॉब्लम ना आए. ऑल्दो एक एक्सेसरी फोक कवर्स अवेलेबल है मार्केट में. आई थिंक आई विल गेट दैट टू. जो नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे याद आता है वो है हैंडलिंग. ऑल्दो बहुत सारे लोग यूट्यूब पे और अदर प्लेटफॉर्म्स पे वेट का जो सेंटर ऑफ मास है वो थोड़ा ऊपर है उसको लेके कुछ पॉइंट्स रखते हैं, उस पर मैं बाद में आऊँगा. बट एज सुन एज यू आर ऑन द बाइक एंड यू आर राइडिंग द बाइक आपको बाइक का वेट एकदम नहीं फील होगा. ट्रस्ट मी हैंडलिंग इज फिनोमिनल फिनोमिनल इन दिस कैटेगरी. एडवेंचर KTM की एडवेंचर 390 की हैंडलिंग बहुत अच्छी है बट कहीं ना कहीं उसमें 19 inch के व्हील है विथ 21 inch व्हील्स. हैंडलिंग इज रियली गुड एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड ऑन दैट पार्ट. नेक्स्ट पॉइंट है टैंक डिजाइन. आई मीन इसका टैंक डिज़ाइन एक्चुअली ओवरऑल बाइक का डिज़ाइन बहुत अच्छा है बट स्पेशली द डिज़ाइन ऑफ द टैंक और जो पेंट फिनिश है आई रियली लाइक इट. अगर आप ना वाइट कलर वाला या ब्लैक कलर वाला या कोई भी कलर का पेंट देखोगे ना पेंट फिनिश इज एब्सोल्युटली वेरी गुड. आई रियली लाइक द डिज़ाइन ऑफ द टैंक और कुछ ऐसे डिज़ाइन के कि जब मैं खड़ा होता हूँ या फिर बैठ भी चलाता हूँ ना तो मुझे टैंक का ग्रिप बहुत अच्छा आता है जो मुझे 411 में प्रॉब्लम आती थी. और इस टैंक का डिज़ाइन ऐसे कि जब मैं नॉर्मल बाइक को चलाता हूँ तो व्हाट आई हैव नोटिस कि मुझे नीज में उतनी हवा नहीं लगती है जितनी 411 पे लगती है. सो और टैंक के डिज़ाइन की वजह से ना आप बाइक को जब चलाते हो तो यू फील लाइक यू आर राइडिंग अ बिग बाइक. ऑल्दो ये बाइक बहुत लंबी है और बहुत बड़ी है और टैंक मेटल होने से और साइज बड़े होने से टैंक बैग माउंट करना भी बहुत ईजी है. तो ये एक बहुत पॉइंट है जो मुझे इस बाइक को फर्स्ट टाइम टेस्ट ड्राइव करते ही बहुत अच्छा लगा था. जो आप जब बाइक चलाते हो जो सबसे ज़्यादा नोटिस होती है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है इस बाइक के बारे में इस बाइक की शो स्टॉपर है वो चीज़ वो इसका इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन. आई मीन पूरी वर्ल्ड में रेयरली कोई बाइक ऐसी है जिसका एक सर्कुलर डैश है और वो इतना ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है. ऑनेस्टली हिमालयन 411 से कंपेयर करेंगे ना तो ये ह्यूज 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 अपग्रेड है. वेरी वेल यूज फॉन्ट्स वेरी वेल प्रॉपरली लेड UI और नॉट टू डिफिकल्ट टू यूज़. ऐसे ईजी टू यूज़ नहीं बोलूँगा मैं बट नॉट टू डिफिकल्ट टू यूज़. और जो एक एडेड एडवांटेज मिलता है हमें गूगल मैप्स का, एक्चुअली मैंने जितना यूज़ किया है सिटी में मुझे गूगल मैप्स बहुत ही सही लगा है जिस तरह से इंटीग्रेटेड है. थोड़े से डिसएडवांटेजेस हैं वो अभी हम नेक्स्ट कैटेगरी में जरूर डिस्कस करेंगे बट फ्रॉम यू नो दिस इज जनरेशन वन ऑफ काइंड ऑफ दैट गूगल मैप्स. सो बहुत ही सही है और आई फील कि दे कैन अपडेटेड विद सम अपडेट्स इन फ्यूचर. सो वेरी वेल डिज़ाइंड. डिज़ाइन में मुझे इस बाइक की टेल डिज़ाइन बहुत अच्छी लगती है. बहुत एलिगेंट है और इट लुक्स लाइक कि प्रॉपर यूरोपियन बाइक का फील देती है जो उस तरह से इसका रेयर फेंडर डिज़ाइन किया गया. हालांकि सैडल स्टेज लगाने के बाद थोड़ा सा वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है बट फिर भी जिस तरह से इसका फेंडर डिज़ाइन किया गया है और जो इंडिकेटर्स
कनेक्टेड विद लाइट, और विजिबिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बोला है कि नाइट में इन दोनों बैक लाइट्स की विजिबिलिटी कम है, ट्रस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो रैली किट की डिज़ाइन है ना वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। अगर कभी वो एक्सेसरी में अवेलेबल होगी जब अक्टूबर नवंबर में दिस ईयर, आई विल सी इफ आई कैन बाय दैट। अभी तक जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो बहुत ही यू नो ऑन योर फेस है, जो आप जिसको इमिडिएटली नोटिस कर सकते हो कि हाँ ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। अब मैं कुछ चीज़ें ऐसी बता रहा हूँ जो इमिडिएटली रिकॉग्नाइज नहीं होती है, बट जैसे जैसे आप बाइक को यूज़ करते हो ना यू रियलाइज कि दीज आर वेरी गुड थिंग। सो पहली एक पॉइंट है कि इस बाइक में ना बहुत सारे प्लेसेस दिए गए जहाँ यू कैन ग्रैब इट, होल्ड इट और टाई और हुक समथिंग। यहाँ पे एक ग्रैब हैंडल है, ठीक है, दिस इज फुल ग्रैब हैंडल प्रॉपरली बोथ द साइड्स। अगेन यहाँ पे भी ये हैंडल है विच यू कैन हुक और यूज टू टाई थिंग्स। यहाँ पे ये हुक्स हैं विच यू कैन यूज टू टाई स्टफ, और इफ यू काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑन अदर साइड। और एब्सोल्युटली पूरी बाइक में ना बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ यू कैन हुक थिंग्स एंड टाई थिंग्स। और एक्सेसरी अगर आप एड ऑन करा रहे हो, खुद रॉयल एनफील्ड की OEM एक्सेसरीज तो भी बतेरे हैं। नेक्स्ट एक स्मॉल डिटेल जो मुझे पसंद है वो ये, यहाँ पे ना आप देख सकते हो कि कूलेंट का लेवल गया है। एब्सोल्युटली परफेक्ट लेवल तब बताएगा जब आप इसको सेंटर स्टैंड में लगाओगे। मेरा रिकमेंडेशन नहीं है कि एडवेंचर बाइक्स मोस्टली आपको ओवर द टाइम लॉन्ग पीरियड के लिए खड़ी करनी, तो सेंटर स्टैंड पर ही खड़ी करो। यू सी द चार्जिंग पोर्ट इज USB-C विच इज़ वेरी गुड बिकॉज 90% ऑफ द केबल्स आई हैव USB-C ऑन अदर एंड। सो फ्रंट टायर को रिमूव करने के लिए जिस तरह का नट आपको चाहिए वो आपको किसी पंचर डाले का नहीं मिलेगा, बट रॉयल एनफील्ड हैड थॉट अबाउट दैट और वो इस सीट के नीचे अवेलेबल है। सो इफ यू गो हेयर, सो दिस इज द बोल्ट विच यू कैन ईजिली विच कन्वर्ट्स इट इन टू द नॉर्मल बोल्ट टाइप, और जो उसमें लगेगा एंड यू कैन ईजिली रिमूव इट, दे हैव थॉट। टूल किट बहुत अच्छी है, बहुत कॉम्प्रहेंसिव है, आई विल शो यू द टूल किट। जब आप टूल किट खोलोगे ना तो पहली चीज़ आप नोटिस करोगे कि कोई भी स्क्रू ड्राइवर नहीं है। और वो क्यों नहीं है, क्योंकि जब आप स्टॉक बाइक खरीदते हो ना इसमें कोई भी नॉर्मल ऐसा नट नहीं है जिसको खोलने के लिए आपको स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत है। डिफरेंट एलिंग कीज एंड ऑल अदर स्टफ यू कैन यूज। सो टू ओपन रिमूव द फ्रंट व्हील व्हाट यू हैव टू डू इज पुट दिस इनसाइड एंड दिस गोज लाइक दिस एंड देन यू कैन इजीली रिमूव योर फ्रंट व्हील। सो वेरी वेल थॉट। और इस तरह की सेम टूल किट मुझे GT में भी मिली थी। सो ये टूल किट रियली थॉटफुल है। नेक्स्ट पॉइंट विच आई लव अबाउट दिस बाइक, बट थोड़ा हेट एंड लव वाला रिलेशनशिप है, इट कम्स विद अ राइड बाय वायर और बिल्कुल भी डिले इन थ्रॉटल नहीं है, बहुत स्मूथ थ्रॉटल रिस्पॉन्स है। और राइड बाय वायर होने से इसमें दो राइडिंग मोड्स मिलते हैं विद कपल्ड विद ABS ऑन एंड ऑफ, तो बेसिकली चार हो जाते हैं, परफॉर्मेंस मोड विद ABS ऑन एंड ABS ऑफ, इको मोड विद ABS ऑन एंड ABS ऑफ। सो परफॉर्मेंस और इको में बस इतना ही फर्क है कि जो आपका थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो इको में थोड़ा डल हो जाता है। और इको में थ्रॉटल रिस्पॉन्स डल होने से दो फायदे होते हैं जो मैंने नोटिस किए, एक तो नॉकिंग आपके इंजन की बहुत कम होती है और थोड़ा माइलेज में फर्क पड़ता है। उसके अलावा इको मोड किसी भी तरह की आपकी परफॉर्मेंस पावर आउटपुट को कम नहीं करता है। और फिफ्थ और सिक्स गियर में तो कोई फर्क नहीं है, तो जो डिफरेंस है इको मोड में वो 1 से लेकर 4th गियर तक ही है, फिफ्थ और सिक्स गियर दोनों मोड में सेम है। सो जो लास्ट पॉइंट है जो मुझे इस बाइक के बारे में बहुत यूनिक और बहुत अच्छा सही लगा कि एक इस डिटेल पे ना रॉयल एनफील्ड ने ध्यान दिया। हिमालयन 411 हो या मेरी GT हो, दोनों में प्रॉब्लम क्या है कि बाय डिफॉल्ट हेडलाइट आपकी ऑन रहती है, और जब आप बाइक को स्टार्ट करते हो ना स्टार्टर मोटर हेडलाइट ऑन के साथ जब किक होती है तो बैटरी पे बहुत प्रेशर पड़ता है। उसको इन्होंने हैंडल किया कि जैसे मैं बाइक स्टार्ट करता हूँ फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड और एटलीस्ट एक सेकंड के लिए हेडलाइट ऑफ हो जाती है जैसे ही। सो जैसे स्टार्टर मोटर किक इन होती है आपका ECU बाइक के हेडलाइट को ऑफ कर देता है जिससे कि बैटरी पे कम लोड पड़ता है, देन उस केस में यू डोंट नीड एनी डेडिकेटेड हेडलाइट का स्विच। अदरवाइज मैं ओल्ड हिमालयन या GT के ओनर या इंटरसेप्टर के ओनर को हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि एक हेडलाइट का स्विच जरूर लगाएं। सो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई जो मुझे हिमालयन के बारे में बहुत अच्छी लगी है। बहुत सारी चीज़ें और भी चीज़ें हैं, रिव्यू में बहुत कुछ डिस्कस करेंगे हम। सो गाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा था तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। सो गाइज जो भी पॉइंट मैंने इस वीडियो में कवर करे हैं वो पूरी तरीके से सब्जेक्टिव है और ये मेरा ओपिनियन है हिमालयन 450 को 2 महीने यूज़ करने का और ओवरऑल मेरा बाइकिंग एक्सपीरियंस। और नेगेटिव्स जो भी हिमालयन 450 के बारे में है, जो चीज़ें आई डू नॉट लव, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा और मेरे ओपिनियन से वो वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो को मैं एक दिन बाद अपलोड करूंगा। और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो
एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब, और जो भी आपका फीडबैक है, जो भी ओपिनियन है और जो भी क्वेश्चन है, प्लीज डू एड इन द कमेंट सेक्शन बिलो. बाय बाय.